मित्रों ये है वो पार्क जहाँ पर अभी हम लोग जाने वाले हैं, वो सुसुनिया के पास में ही है, ज़्यादा भी दूर नहीं, मतलब सटा हुआ ही है। तो अभी चलते हैं यहाँ से, देखते हैं क्या है। ये मैडम को आगे ही जाने देते हैं, बहुत जल्दी है। सो यहाँ से टिकट लेना पड़ता है, टिकट का कितना प्राइस है? एक 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 गो का 20 रुपये टिकट का दाम है। एंड बहुत सही पार्क है, आप आ सकते हो यहाँ पर। वॉलेट खर्चा मेरे से ही होगा, तो घुमाने कौन लेके आया है? कुछ नहीं, खर्चा मेरे से ही होगा। सो मित्रों टिकट लेना हो चुका है खत्म, ये रहा वो टिकट, देख सकते हैं आप। तो उल्टा है, सीधा देख वो टिकट वॉलेट नहीं देंगे। तो चलिए आपको पार्क दिखाते हैं, पार्क बहुत ज़्यादा सुंदर है मित्रों, बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो देखिए पार्क, ये क्या है बेचारा, so sad। बहुत ज़्यादा दया आ रहा है मैडम को इसके ऊपर। मेरा नाम पूजा है। हाँ ये मैडम का नाम पूजा डालमिया है एंड ये मेरी बहन है। सो जो भी कमीनों को लगता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो भूल जाओ, ये मेरी बहन है पूजा डालमिया। मेरा नाम रणदीप डालमिया, ठीक है? ये मेरी बहन है, चुड़ैल बहन है, ठीक है? सब कुछ खर्चा मेरे से ही करवाती है। सबको अपनी बहन चुड़ैल ही लगती है, जैसे तुम है। हम नहीं है रे, इतने प्यारे से तो है। तो मैडम ये जहाँ भी जाती है अपना हाइट कंपेयर करती है, ये पेड़ भी तेरे से ज्यादा लंबा है। थोड़ा सा तेरे जितना होगा, पेड़ भी तेरे से ज्यादा लंबा है। तो ठीक है ना, हाइट डजंट मैटर, बट योर हाइट डज मैटर। क्या है यार तुम, ओ भाई। मित्रों ये पार्क में जितने भी लाइट हैं, जो भी कुछ है, एसी वेसी, सब ये सोलर बोर्ड से चलता है। तो बहुत ज़्यादा, बहुत सारे सोलर बोर्ड्स हैं यहाँ पर, तो अच्छा बात है यार, बिजली ये लोग मतलब बना भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं काम में, बहुत अच्छा बात है। सो अब देखते हैं फवारा, फाउंटेन है यहाँ पर एक गो, फाउंटेन की तरफ थोड़ा नज़र डालते हैं, फाउंटेन भी बहुत सही है, तो फाउंटेन भी देखते हैं। सो मित्रों ये देखिए फाउंटेन से निकला हुआ रेनबो, बहुत सही फाउंटेन है, रेनबो भी बहुत सही लग रहा है देख के। तो आप रेनबो का मजा लीजिए। गाइस गाइस अंदर से देखो, आप यहाँ पर एक, ये एक ऐसा जगह है नहीं पता क्यों यहाँ तक पानी का छींटा आ रहा है, इतना सही लग रहा है। एंड अभी ठंडा का मौसम है, अभी जो गर्मी से हम लोग आए यहाँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है पानी का छींटा। मैं तो अभी यहीं बैठने वाला हूँ बहुत देर, पानी का मज़ा लेना है यार। हम लोग अभी हो गए हैं, मेरा और इसका उम्र हो गया 21 ईयर्स, लेकिन बच्चा जो पन होता है ना अंदर का, वो नहीं मरना चाहिए। मैडम का अभी तक नहीं मरा है, मैडम अभी झूलेगी झूला, देखते हैं कितना देर तक झूल लेगी झूला। तो झूलाते हैं मैडम को झूला, झूला झूला करके मैडम को झूला ही देंगे अच्छा से। बात क्या है कि मैडम का इतना सा झूलने में फट गया, मैडम को भी है उतरना, अभी उतारेंगे बिल्कुल भी नहीं, अभी मैडम को झूलने दो। क्या यार ये रुक रहा भी नहीं है, अरे यार तू हाइट में छोटी है ना, हम रुका सकते बट हम गिर जाएंगे गाइस। क्या यार
इसको तंग करके बहुत ज्यादा ही मजा आता है। मित्र बोल रही है रुक जा बट रुकेगा नहीं, देखते हैं। पैर भी नहीं पहुंच रहे थे, छोटे क्यों है। ओ भाई गजब गजब मजा आता है यार। इसको तंग करके तो मन को जो सुकून मिलता है ना, वो सुकून कहीं नहीं मिलता। रुक गया, स्लो हो गया, स्लो स्लो हो गया है, बट मैडम उतर अभी भी नहीं पाएगी। मैडम गिर जाएगी ना, चोट लग जाएगा यार, अजीब बात करते हो। अब उतर गया। उतर गई नहीं। उतर गई क्यों? उतर गई मित्रों, उतर गई, नहीं उतरना चाहिए था। मित्रों यहाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा पानी आ रहा है, अभी अपन लोग यहाँ पर थोड़ा देर के लिए बैठेंगे, रेस्ट देंगे अपने शरीर को। बहुत देर से घूम रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। सो मित्रों यहाँ घोड़ा भी है, अनफॉर्चुनेटली अच्छा है। तो ये मैडम बोल रही है कि इस मैडम ने पहले देखा घोड़ा को, सवारी तो ऐसे भी नहीं मिलना, वैसे भी नहीं मिलना, मैडम का ऐसे फट जाएगी। घोड़ा खुला हुआ भी है। मैं नहीं जा रही हूँ, घोड़ा खुला हुआ है। देखा वो घास खा रहे, क्यों परेशान करना भाई। अगर इसने मार दिया ना तो यहाँ से उड़ के अपन गिरेंगे वहां, मुझे नहीं जाना, अभी तो बिल्कुल भी नहीं जाना। I am going to help her. देखिए दोनों भाई बहन साथ में, एकदम साथ में, साथ में, गजब मजे वाली बात हो गई। बोला अब अगर मैं इसे उठा दूं? नहीं। उतर जा, उतर जा। सो मित्रों जो कॉटेजेस है यहाँ पर, इनका जो मीन्स रेंट है, तो तीन टाइप का कॉटेज है, एक स्टैंडर्ड है, एक डिलक्स, एक सुपर डिलक्स है। सो मीन्स 1200, 1800, 2500 मीन्स ये सब नॉन एसी का रेट है अभी, क्योंकि ठंड का टाइम है, अभी एसी बंद है। और अगर आप एसी लेते हैं तो हर एक से 500 रुपये करके इंक्रीज़ कर दीजिए। तो ये यहाँ का कॉटेज का रेंट है, तो एक दिन है, तो हाँ एक दिन का रेंट है। तो आपको अगर लेना है तो आप यहाँ पर आके इन ये जो अंकल है इनसे बात कर सकते, आशीष चैटर्जी जो अंकल है इनसे आप बात कर सकते हैं। तो अभी हम लोग निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला भूख लगा हुआ है। तो अभी निकलने के बाद चलते हैं खाने, खाने के बाद जाएंगे घर, बहुत थक गए हैं मित्रों, बहुत थक गए। सो मित्रों अभी का सीन क्या हुआ कि ये जो बाइक था, बाइक का जो हैंडल लॉक होता है, हैंडल लॉक मैंने कोई हाल लगा दिया था, बट ये हैंडल लॉक खुल रहा नहीं था, नहीं पता क्यों। बट एक अंकल थे, वो आए अभी हेल्प किए, हैंडल लॉक खुल गया फाइनली, नहीं तो हम लोग को यहीं रहना पड़ जाता। दिक्कत नहीं है रहने में, बट एक घर का जो होता है ना प्यार, वो चीज़ नहीं मिलता। ठीक है कोई ना, अभी खुल गया है, अभी हम लोग निकलेंगे ये गार्डन से, एंड गार्डन से निकलने के बाद अभी जाएंगे पेट पूजा करने। यस सो मित्रों हम लोग का घूमना हो चुका है ख़त्म, एंड अभी हम लोग निकलने वाले हैं अपने घर के तरफ। खाना पीना उतना कुछ खास किया नहीं हमने, जैसे एक लेज़ का पैकेट लिया है, तो वो इसके पास है, तो लेज़ का पैकेट है, और लेज़ का पैकेट लेके अभी अपन लोग चल जाएंगे घर। खाते खाते थोड़ा बहुत घर जाके बात करते हैं यार, थक गए बहुत ज़्यादा।
सो मित्रों हम लोग आ चुके हैं अपने घर अपने बाइक में और इसको लेके और ये सिंगाड़ा ये समोसा भी लिए हैं। अब आए हैं घर, अब जाएंगे फ्रेश होने। बहुत ज़्यादा थक गए, ये भी थक गई है, हम भी थक गए। अब जाएंगे मस्त इसको एडिट करने और देखते हैं और क्या होता है।